नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप सभी का स्वागत है अनुराग एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि हमें कुंडली को देखकर ये कैसे पता लगाना है कि बिजनेस किया जाए या जॉब किया जाए। दोस्तों, ये सबसे ज्यादा एस्ट्रोलॉजर्स को पूछे जाने वाला क्वेश्चन है शादी के बाद। शादी के मैटर को छोड़ के एस्ट्रोलॉजर को जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि हमें बिजनेस करना है या जॉब करना है। और दोस्तों, मैंने जो भी यूट्यूब पे एपिसोड्स देखे, मैंने जो भी प्राइवेट ऑथर्स की बुक पढ़ी, उसमें मैंने ये सुना कि अगर आपकी कुंडली में स्ट्रांग ग्रह होंगे, स्ट्रांग धन योग होंगे, तो आपको बिजनेस करना है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में वीक धन योग होंगे तो आपको जॉब करना है। लेकिन दोस्तों, मैंने जब प्रैक्टिकली ऐसा देखा, मैंने रिसर्च किया, मैंने सर्वे किया, तो मैंने ये पाया कि अमेजॉन, गूगल, रिलायंस, टाटा की सीईओ भी तो जॉब पे ही है। क्या वो बिजनेस कर रहे हैं? और कोई भी लोकल बिजनेसमैन उठा के देख लीजिए, कितना भी बड़ा बिल्डर उठा के देख लीजिए, क्या वो इन लोगों से अमीर है, इन लोगों से ज्यादा पैसे कमा पाता है? तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा धन योग होंगे तो आप बिजनेस करोगे और कम होंगे तो आप जॉब होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको अभी कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप इजीली पता कर सकते हो कि आपको बिजनेस करना है या जॉब करना है। दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूं कि 10th हाउस होता है हमारा वर्क हाउस। दोस्तों, हमारा वर्क हाउस का कनेक्शन हमारे बाकी हाउसेस का देखना है हमें। अभी मैं आपको बताता हूँ आपके जॉब के हाउस कौन से होते हैं। दोस्तों, बेसिकली हमारे कुंडली में जॉब के हाउस होते हैं 4th, 5th और मोस्ट इम्पोर्टेंट इज 6th। क्योंकि दोस्तों, जो हमें पब्लिक के थ्रू इनडायरेक्ट मनी आता है, इनडायरेक्ट मतलब मुझसे सरकार को गया और सरकार के थ्रू मुझे आया, किसी ने कंपनी को प्रोजेक्ट दिया और वो प्रोजेक्ट के थ्रू इंजीनियर को आया, तो ये हो चुका है इनडायरेक्ट मनी। तो पब्लिक के थ्रू जो हमें इनडायरेक्ट मनी आता है वो देखा जाता है 4th, 5th हाउस से और मोस्ट इम्पोर्टेंट इज 6th हाउस से। 4th, 5th हाउस से पब्लिक का मनी देखा जाता है और 6th हाउस से जॉब को दर्शाता है। तो अगर आपको जॉब करनी है तो हमें देखना पड़ेगा कि आपके कुंडली में 4th, 5th और 6th हाउस कितने स्ट्रांग है। और हमें अगर बिजनेस का देखना है तो दोस्तों, हमारे 10th हाउस का कनेक्शन होना चाहिए 7th हाउस के साथ, क्योंकि 7th हाउस ही हमें पब्लिक के थ्रू डायरेक्ट आए हुए मनी को दर्शाता है या हमारे पार्टनरशिप को दर्शाता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा दोस्तों कि हमारे 4th, 5th, 6th हाउस ज्यादा स्ट्रांग है या हमारा 7th हाउस ज्यादा स्ट्रांग है। ये कंडीशन हमें दशमांश कुंडली में खास करके देखनी है कि दशमांश कुंडली में हमारा दशमेश कहाँ बैठा है। और दोस्तों, हमें 2nd भाव और 11th भाव जो कि होते हैं लाभ भाव और गेन भाव, यहां से हमें ये देखना है कि इनके स्वामी, इनके लॉर्ड्स क्या जॉब के हाउसेस में बैठे हैं जो कि 5, 4 और 6 है या 7th हाउस में बैठे हैं। और हमें इनके नक्षत्र देखने हैं। दोस्तों, इस पे से हमें ये डिसाइड करना है कि हमारे जॉब के हाउस ज्यादा स्ट्रांग है या हमारा बिजनेस का 7th हाउस ज्यादा स्ट्रांग है। दोस्तों, अब बात करता हूँ प्लेनेट की। दोस्तों, नॉर्मली देखा गया है कि बिजनेसमैन की कुंडली में बुध बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि बुध अगर स्ट्रांग नहीं होगा या थोड़ा वीक स्ट्रांग होगा तो आप जॉब करोगे, और ज्यादा ही स्ट्रांग होगा तो आपका दिमाग बिजनेस में ज्यादा चलेगा। और देखा जाता है दोस्तों बिजनेस के लिए शनि को। दोस्तों, एक्चुअली इसमें बात ऐसी है कि अगर आपका शनि मीडियम स्ट्रांग होगा तो आपको गवर्नमेंट जॉब इजीली मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो ज्यादा ही स्ट्रांग हुआ तो आप बिल्डर एंड डेवलपर बन जाओगे। तो शनि जॉब को भी दर्शाता है, बिजनेस को भी दर्शाता है। ज्यादा ही स्ट्रांग हुआ तो आप बिजनेस लाइन में रहोगे, मीडियम स्ट्रांग रहा तो आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में हेल्प होगी। दोस्तों, फिर मैं बात करता हूँ सन की। दोस्तों, अक्सर देखा गया है जिसका सन बहुत स्ट्रांग होता है वो या तो पॉलिटिक्स में जाता है या गवर्नमेंट जॉब में जाता है या प्राइवेट कंपनी में बड़े पोस्ट पे होता है। तो दोस्तों, सभी कुंडली में मैंने ये कॉमन पाया कि सन जिसका ज्यादा स्ट्रांग होता है वो अक्सर जॉब ज्यादा करते हैं, बिजनेस कम करते हैं। तो बिजनेस का मेन प्लैनेट हुआ बुध, तो ये देखना है दोस्तों हमें। लेकिन प्लैनेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रखते हैं हाउसेस। हमें 10th हाउस का कनेक्शन देखना होता है हमारे 4th, 5th, 6th और 7th हाउस के साथ, और वहीं से हमें डिसाइड करना पड़ता है कि बिजनेस करें या जॉब करें। ये हम दशमांश कुंडली में भी देखेंगे और नवमांश कुंडली में भी देखेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स हुए कि जॉब किया जाए या बिजनेस किया जाए। अगर आपको आपकी कुंडली मुझसे पर्सनली चेक करानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। दोस्तों, मेरे साथ बने रहे, मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ लाते रहूँगा। आप सभी को जय श्री कृष्ण।